दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या चीज़ होता है, उसको हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसका हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है कि ये बहुत सारे कैरेक्टर को मिला के एक स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे बनता है, यानी कि अगर दो या तीन अगर कैरेक्टर हम मिला दें तो वो एक स्ट्रिंग हो गया। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास पूरा एक कोई पैराग्राफ है, कोई ऐसे है या कोई भी नोट्स है, अगर वो दो कैरेक्टर से ज़्यादा है या फिर दो कैरेक्टर भी है तो वो एक तरीके से एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ जो कैरेक्टर होता है वो ही होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ दो तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि एक तो या तो हम स्ट्रिंग लिटरल यूज़ कर लें यानी कि पूरा पूरा हम स्ट्रिंग पास कर दें, और या फिर हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देन उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो ऐसा आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि कोई भी स्ट्रिंग हो आपका, जैसे यूजर नेम हो या कुछ भी ऐसा जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हो, तो आप ये चीज़ दो तरीके से आप पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल से और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, बाई स्ट्रिंग लिटरल यानी कि डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करके हम कैसे स्ट्रिंग को बना सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे कि हम कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा पुराना कोड था, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिटरल देखने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे। तो जैसा आपके आपको पता है कि यहाँ पे हम वेरिएबल बनाने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद से हम कोई भी स्ट्रिंग का यहाँ पे नेम दे देंगे। जैसे कि वेरिएबल का नेम हमने दे दिया नेम, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। इसके अंदर मैं मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, भले मैं ये पास कर देता हूँ ट्यूटोरियल 007, ठीक है, यही मैंने पास कर दिया। तो ये नेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि डायरेक्ट हम स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो यही स्ट्रिंग लिटरल होता है। तो इस नेम वेरिएबल के अंदर ये चीज स्टोर हो गई है। तो अब हम अगर नेम वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि एक तो ब्राउजर पे आपको ये शो कराना है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हैं, और भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है वो, खैर आने वाले टाइम में जब हम डॉम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम, तो उसके अंदर और भी मेथड हम देखेंगे। तो कंसोल पे भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो कंसोल के अंदर भी प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेम वेरिएबल के अंदर ट्यूटोरियल 007 आ गया है। अब इसको हम रन करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल 007 प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी पास करेंगे, अगर आप यहाँ पे कुछ भी पास करते हैं तो वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को आसानी से फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेमी कोलन भी लगा लीजिए, ये हैबिट आपको रहनी चाहिए कि हर एक स्टेटमेंट को आप यहाँ पे क्लोज कर सकें। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था कि हम स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैसे हम गेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, या फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कैसे उसको असाइन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक न्यू कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर न्यू से हमने किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज किया, भले वो स्ट्रिंग हो या फिर जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि एरे हो या कुछ भी हो, अगर हम न्यू कीवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग के पहले न्यू लगाते हैं तो यानी कि हम स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर एरे से पहले हम न्यू लगाते हैं तो यानी कि हम एरे टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू नेम, और यहाँ पे अब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू बना रहे हैं, तो हम इसको न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनाएंगे, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड जरूर आएगा, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड होता है, तो यहाँ पे न्यू हो गया, और उसके बाद से अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमारा है यहाँ पे जिसका हम टाइप बनाने वाले वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब अगेन आप इसके अंदर जो भी चाहे पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे वेलकम टू ट्यूटोरियल 007, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो नेम न्यू नेम ये जो ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे स्ट्रिंग का, इसके अंदर ये वैल्यू जो है पूरी स्ट्रिंग ये पास हो चुकी है यानी कि आ गई है। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे न्यू नेम, अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो अब की बार आपका जो आउटपुट आने वाला है ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने असाइन किया है वो आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बाई स्ट्रिंग लिटरल यानी कि इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट बना के पास करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोज में हम क्या करेंगे कि जो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड है, तो कुछ मेथड हम देखेंगे, बाकी बहुत सारे मेथड इसके अंदर होते हैं स्ट्रिंग के,
उसको आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। तो कुछ कुछ जो मेन मेन मेथड होंगे वो सबकी वीडियोस आपको सेपरेट सेपरेट मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्ट्रिंग जो होता है ये किस तरीके से काम करता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।